2002 में इसी देश के मुसलमानों को मरवा करके, महिलाओं को मरवा करके, दंगे करवा करके, तमाम चाहे गुजरात का चुनाव हो चाहे अन्य राज्यों में चुनाव हो, वो चुनाव में एक बार भी किसी ने अपनी जिम्मेवारी वहां पे नहीं ली। क्लीन चिट मिल गई है मोदी जी को? कोई क्लीन चिट नहीं है। क्लीन चिट 24 के अंदर देखिए, झूठे नहीं है। जब मेरी सत्ता आएगी ना, वो सत्ता के अंदर बैठे हैं, संघ वहां है, और ये संघ के जितने भी जो कोर्टों के अंदर जो गुंडे बैठाए गए हैं, उन तमामों ने ये हालात किया है। जिस तरह 3-2 का आज मामला आया कि कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, जो तथाकथित ताकतवर लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए, और जो बैकलॉग ओबीसी का बैकलॉग है वो आज तक भी नहीं भरा गया है। हम पूछते हैं, नरेंद्र मोदी रातों रात नोट बंद कर सकते हो तो रातों रात इस देश के अंदर प्राइवेट स्कूलों को ताला क्यों नहीं लग सकता है? मोदी जी बताइए, आप जीएसटी ला सकते हो, आप तो शिक्षा को ही बंद करवा रहे हैं। मैं शिक्षा को बंद नहीं करवा रहा, प्राइवेट जो स्कूल है उनको बंद करना चाहिए। जब तक मोदी इस देश के अंदर है, वो कहता है मैं सबका भला चाहता हूँ, तो ये भला यहाँ से नहीं होगा कि कुछ पूंजीपति लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े, और जो 200 रुपए का 300 रुपए का मजदूर है उसके लिए सरकारी स्कूल भी मर्ज कर रहे हैं। ये इससे ज्यादा बीजेपी की आरएसएस की सरकार में तानाशाही सरकार का कुछ नहीं हो सकता है। आप लोगों को गलत फहमी है, मोदी सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित है संविधान। देखिए, आप लोग बीजेपी के हो, आरएसएस के तलवे चाट लोग हो, इसीलिए आप ऐसी बकवास करते हो। आप जाके देखिए ना सरकारी स्कूलों की क्या हालात है। सरकारी स्कूलों में जहाँ 8वीं तक के स्कूल थे, जहाँ प्राइमर तक के स्कूल थे, वो तमाम स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, और लगातार हर गली मोहल्ले के अंदर प्राइवेट स्कूल खोल दिए जाते हैं। तो ये सोचने और समझने की बात है, जब तक इस देश में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक इस देश के अंदर इक्वलिटी नहीं आ सकती है। पब्लिक सेक्टर नुकसान में जा रहा है ना इस वजह से निजीकरण। देखिए, ये स्वार्थी लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर नुकसान में जा रहा है। जब सरकार, मैंने अभी उदाहरण देके आपको बताया है कि इस देश के अंदर जब जीएसटी लागू हो सकती है, नोटबंदी हो सकती है, तो बड़े फैसले लेने में मोदी जी क्यों घबरा रहे? क्योंकि वो उन पूंजीपतियों के हैं जो फंडिंग आती है, जिससे पैसा आता है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बन गए मोदी जी। देखिए, मोदी जी को गाली देने पे लगे पड़े हैं। इस देश के अंदर आपको नहीं पता है, इस देश के अंदर 84, 85, 80 के दौर था जब कहा करते थे कि इस देश के अंदर कांग्रेस वो घास है जाएगा नहीं, कांग्रेस वो घास है इस देश से नहीं जाएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, इतने घमंड में, इतने अहंकार में मत रहिए। आपको यही पर यही जनता 24 में चकनाचूर करके दिखाएगी। आप कांग्रेसी हैं? हम कांग्रेसी नहीं हैं, हम तो वंचित शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, और अपना जो दर्द है वो दर्द बयां कर रहे हैं। आज हम किसी न किसी माध्यम से, हम आपके कैमरे पे बोलना जान चुके हैं, हमने अपने अधिकारों का पता लग चुका है। इसलिए हम कहते हैं आरएसएस के लोगों, बीजेपी के लोगों, या तो सुधर जाओ, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हमारे हकों के ऊपर हमला किया, दलित पिछड़ों को मुसलमानों से लड़ा करके आप सत्ता की गलियारों में पहुंच गए हो, आज आप पार्लियामेंट में बैठे हो, लेकिन ये हमारे को अच्छी तरह हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मोदी जी कह रहे हैं इसने यात्रा निकाली है। किसने यात्रा निकाली है? इसने सुनिए, 90 कमंडल की बात आप भूले नहीं होगे, जहाँ कमंडल लेके ना इस देश का गुंडा आडवाणी निकला था, और जो मंडल की बात यहाँ आई थी कि यहाँ पे जो है ना वंचित शोषित पीड़ों को अधिकार मिला जाए, 90 की जो गलती है वो आज हम जंतर मंतर पर आकर के ये भुगत रहे हैं। आप देख लीजिए, मोहन भागवत भाईचारा बांट रहे हैं। अरे ऐसे उन्होंने समय समय पे पता नहीं क्या क्या कहा है, संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। ये किसने कहा था? ये उसी मोहन भागवत ने कहा था कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, और मैं आपके माध्यम से संविधान की समीक्षा हो चुकी है। अगर वंचित शोषित पीड़ित समाज अगर नहीं जगा तो आप आने वाले समय में देख लेना आपका क्या हालत होगा। जगह है नहीं जगह भी? देखिए, जगने का हालत आपके सामने है। तमाम जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो राजनीतिक को समझते हैं, शिक्षा को जो समझते हैं, अपनी आपकी अपनी कमजोरियों को समझते हैं कि आज तक हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में नहीं पहुंचे हैं। इस देश की शिक्षा में आप देख लीजिए, जेएनयू और डीयू के अंदर हमारी रेशो कहीं भी नहीं है। हमारे तो 5वीं 7वीं क्लास तक 10वीं तक जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो बात करने वाले थे, आज वो भी स्कूल बंद कर दिया। पिछड़ों के भी नहीं है ना वहाँ? तो देखिए, पिछड़ों को तो मिले
चुका ही नहीं है ना। शेड्यूल कास्ट को तो फिर भी मिल चुका था, लेकिन पिछड़ों को तो आज भी राजनीतिक हक नहीं है। आपके माध्यम से जो पिछड़े बीजेपी में, कांग्रेस में, अन्य पार्टियों में है, उनको हम बता देना चाहते हैं आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। या तो आप अपनी राजनीति को समझ लें, अन्यथा इस देश के अंदर वो भूचाल आने वाला है। सबसे ज्यादा अगर कोई मारा जाएगा तो वो दलित और पिछड़े और मुसलमान ही मारे जाएंगे। पिछड़े तो कह रहे हैं ठीक शासन चल रहा है देश में। देखिए पिछड़े नहीं कह रहे, जो राजनीतिक पार्टियों के गुलाम जो लोग हैं, जो लखटकिया जो लोग हैं, वो कह रहे हैं। असली जो वंचित शोषित जो है वो तो यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा है। कह रहे धर्म मजबूत कर दिया। देखिए धर्म से हमने कोई लेना देना नहीं है। हम कभी भी, हमारे माँ बाप ने कहा था कि धर्म की अफीम को मत चाटना, तो हमने तो कभी भी ना किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में, कहीं भी गुरुद्वारे में हम तो गए नहीं हैं। और आज ना जाने की बदौलती है कि कम से कम हम मुखरता से अपनी बात को कहते हैं कि हमारे को शिक्षा चाहिए, राजनीतिक चाहिए और हिस्सेदारी चाहिए। ये संविधान, इस देश के अंदर जो भी हक मिल रहा है, जो भी राइट्स मिल रहे हैं, वो इस संविधान से मिल रहे हैं। ना आपको मंदिर से मिल रहा है, ना आपको मस्जिद से मिल रहा है, ना आपको चर्च से मिल रहा है, ना आपको गुरुद्वारे से मिल रहा है। आपको जहाँ भी आप जाइए, लेकिन आपको भारत देश का संविधान तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बगैर अगर आप ये चाह रहे हो कहीं भी हमारी जो है नैया पार हो जाए, या हमारे को हक मिल जाए, या शिक्षा में कुछ मिल जाए, तमाम लोग कहते हैं संविधान बदला जाना चाहिए। देखिए कहते हैं बदला जाना चाहिए, यह आपकी मानसिकता में है। उन्होंने संविधान को बदल के रख दिया गया है। मैं तो आपके माध्यम से जंतर मंतर में मतलब बदला गया है संविधान, ये मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूँ। संविधान तो बदला गया है, लेकिन इसका ये जो कवर है वो बचा हुआ है। अब लोगों को एकजुट होकर के जिस तरीके से आज संविधान दिवस के ऊपर जंतर मंतर पाए, तमाम लोग एक आवाज में इकट्ठे होकर के अगर इनके खिलाफ अगर नहीं खड़े हुए तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। लड़ना पड़ेगा, देश की पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। जब तक आप पार्लियामेंट में अपनी ताकत के बलबूते पर अगर नहीं जाते हो तो ये देख लेना, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपकी हालात बना रखी है, उसी तरीके से जुडिशरी में भी आपकी हालात होगी और उसी तरीके से शिक्षा में भी आपकी हालात होगी। मोदी जी तो खुद सुरक्षित रखते हैं संविधान को, कहते हैं संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बना। देखिए मोदी जी कह रहे हैं संविधान की वजह से बना हूं, ये किसका प्यादा है? आरएसएस का प्यादा है। और उसी आरएसएस के प्यादे ने तमाम इस देश के स्कूलों को, जो सरकारी स्कूल थे उनको बंद कर दिया गया है। ये देश का भला करेंगे? संघी भला नहीं कर सकता। इस देश का अगर कोई भला कर सकता है तो वंचित शोषित समाज के जो लोग हैं, जो 85% के जो लोग हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, वही इस देश के अंदर। मोदी जी भी तो पिछड़ा ही है ना, 85% वो फोकस पिछड़ा है।